केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चीन, जापान, अमेरिका, कोरिया और ब्राजील में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए पॉजिटिव नमूनों की अधिक संख्या में जीनोम सीक्वेंसिंग करवाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी मुख्य सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों को इस आशय का पत्र लिखा है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार ने कहा कि सभी राज्य पॉजिटिव मामलों को जहां तक संभव हो दैनिक आधार पर जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए निर्धारित प्रयोगशालाओं को भेजें ताकि इस महामारी के विस्तार को रोका जा सके। जहां भी केसेस दिखते हैं, आउटब्रेक ज्यादा नजर आते हैं, केसेस बढ़ते हैं, तो केंद्र सरकार राज्यों को अलर्ट मोड पे कुछ नोटिफिकेशन गाइडलाइंस देते हैं। और कल भी हमारी मंत्रालय ने ये गाइडलाइंस इशू किए हैं कि जीनोम सीक्वेंसिंग किया जाए। देखिए, भारत ने बहुत ही अच्छा वैक्सीनेशन करके दिखाया। आज अगर 220 करोड़ वैक्सीनेशन को हम पार कर रहे हैं तो ये भारत की अपने आप में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है ग्लोबल लेवल पे, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट हम देख रहे हैं कि भारत में कम केसेस दिखाई। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि जांच, रोगियों का पता लगाने, उपचार, टीकाकरण और कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करने से कोविड संक्रमण के प्रसार को रोका जा सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि विश्व में सप्ताह में लगभग 35 लाख मामलों की रिपोर्ट आने से कोविड की चुनौतियां विश्व भर में बनी हुई हैं। भारत में एक सप्ताह में लगभग 1200 मामले दर्ज किए जा रहे हैं।